दोस्तों आईसीसी विश्व कप 2023 के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बास डिलीडी ने खेलने के साथ ही आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बना दिया है। बास डिलीडी विश्व कप में खेलने वाले पिता पुत्र की नौवीं जोड़ी बन गई है। आपको बता दें विश्व कप में बास डिलीडी के पिता टीम डिलीडी नीदरलैंड की तरफ से 1996, 2003 तथा 2007 का क्रिकेट विश्व कप खेले थे। अब उनके पुत्र बास डिलीडी 2023 विश्व कप खेलकर यह कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है। इनसे पहले लांस क्रेंस और क्रिस क्रेंस, क्रिस ब्रॉड और स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ मार्स और मिशेल मार्स, रोजर बिनी और स्टुअर्ट बिनी, रॉड लेथम और टॉम लेथम, केविन कुरेन और टॉम कुरेन तथा केविन कुरेन और सैम कुरेन के रूप में पिता पुत्र की जोड़ी ने विश्व कप खेला है। लेकिन क्रिकेट इतिहास में तीन बार ऐसा हुआ है जब पिता और पुत्र की जोड़ी ने दो अलग अलग देशों के लिए एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप खेला है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं तीनों पिता पुत्र की जोड़ी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस लिस्ट में पहली पिता पुत्र की जोड़ी है डॉन प्रिंगल और ड्रेक प्रिंगल की। पिता डॉन प्रिंगल ने 1975 विश्व कप में ईस्ट अफ्रीका के लिए दो मैच खेले थे। वहीं उनके बेटे ड्रेक प्रिंगल ने 1987 और 1992 विश्व कप में उप विजेता रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। वहीं इस लिस्ट में दूसरी पिता पुत्र की जोड़ी है केविन कुरेन और टॉम कुरेन की। पिता केविन कुरेन ने 1983 और 1987 विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम के लिए खेले थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए कुल 11 मैच खेले थे। वहीं पर केविन के बेटे टॉम कुरेन ने 2019 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के हिस्सा थे। हालांकि टॉम को पूरे विश्व कप के दौरान एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं पर इस लिस्ट में तीसरा पिता पुत्र की जोड़ी है केविन कुरेन और सैम कुरेन की। केविन के बड़े बेटे टॉम कुरेन को 2019 विश्व कप जीतने के बाद उनके छोटे भाई सैम कुरेन को इस साल विश्व कप 2023 में इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है। वहीं पर सैम कुरेन ने विश्व कप 2023 के पहले मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहे और अपने बल्ले से 14 रनों की पारी खेली तथा गेंदबाजी में 6 ओवर में 47 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया। तो दोस्तों ये रहे पिता पुत्र की तीनों जोड़ियां जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में अलग अलग देशों से खेलने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है।